से दादा जान के लिए मोहब्बत कहां से जागी तुम्हारे अंदर? और वो खबीस इंसान जो तुम्हें दादा की बीमारी की झूठी खबर सुनाकर यहां उठा के ले आया है, और तुम बेवकूफों की तरह उठ के आ गई हो यहां पे, क्या हो गया तुम्हारी अकल को फारा? आप मामा की तरह रिएक्ट तो ना करें। मैं आ जाऊंगी चंद महीनों बाद खुद ही लाओ। देखो मैं ये बातें बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लोग जबरदस्ती तुम्हारी वली के साथ रुखसती करवाएंगे। निकाह तो तुम्हारा पहले ही उसके साथ हो चुका है। तुम्हारे पर काटने के लिए ना तुम्हारे साथ वो कोई भी जबरदस्ती कर सकता है, इस बात का बहुत ख्याल रखना। वली ऐसा नहीं है मोइस, मुझे वो चाहे जितना मर्जी बुरा लगे लेकिन वो अपनी गैरत और अपनी इज्जत की खातिर जान दे सकता है। अपने रिश्तेदारों से कहो यहाँ आने की जहमत मत करें, वैसे भी तुम यहाँ सिर्फ 3 महीने के लिए हो, 3 महीने के बाद जिससे मर्जी चाहो मुलाकातें करती रहना। मुझे तुम अकेले क्यों आए? तुमने वादा किया था फारा को साथ लेकर आओगे। प्लीज अपने जज्बाती ड्रामा बंद करें पोपो। ऐसे रिएक्ट करिए जैसे सारी मेरी गलती है, जैसे फारा मेरी वजह से घर छोड़ के गई है। अब तक तो फारा को पार्सल मिल गया होगा, अपनी पसंद की तमाम चीजें देखकर खुश हो गई होगी, और फारा एक्साइटमेंट में आकर मुझे फोन करेगी। मैं अब तुम्हें इसी तरह रोज सरप्राइज किया करूंगा। तुम्हें खुश करना मुझे आता है मेरी जान। फारा क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं आगा जान। फारा बेटा मुझे एक जगह लेके चलोगी? कहाँ पे? एक बहुत ही खास जगह तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। आगा जान आप कैसे जाएंगे? आपसे नहीं चला जाएगा। व्हीलचेयर पे चलेंगे बेटा। आप थक जाएंगे। लो बताओ, कभी कोई व्हीलचेयर पे बैठे बैठे भी सकता है? जो वली है ना ये मुझे कुछ ज्यादा ही बीमार और नाजुक समझता है। मैं इतना बीमार नहीं हूँ। आप पहले पूरी तरह ठीक हो जाएं, फिर मैं बाद में जाके देख लूंगी। नहीं बेटा, मेरी गैर मौजूदगी में देखोगी ना तो मुझे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताऊंगी प्लीज ले चलो। ओके चले भी। जान और कितनी दूर जाना है? बस बेटा करीब ही है, पहुंच गए। अरे बेटा यार रुक दो। ये क्या आगा जान? बेटा ये वो पोर्शन है जो मैंने तुम्हारे और रूही के लिए बनवाया था। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों यहाँ रहती। खैर बहरूज की जिंदगी में ही मैंने तय कर लिया था कि जब वो तुम्हें और रूही को लेके यहाँ आएगा तो मैं इसी हवेली में तुम लोगों के लिए एक अलहदा पोर्शन बनवा दूंगा। तुम लोगों को जॉइंट फैमिली में रहने की आदत नहीं है ना,
फिर सोचा था यही तुम्हारा ऐसा अलग सा पोर्शन हो कि तुम हमारे साथ रहते हुए भी अलग से रहो, तुम लोगों की प्राइवेसी मुतासिर ना हो, तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब ना हो। फेरोज तो सुहैब की तरह बहुत कम उम्र लिखवा के आया था। मुझसे आखिरी बार मिलके जब उसने वापसी के बहुत से वादे किए थे वो तो वो नहीं निभा सका। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक आर्किटेक्ट से ये पोर्शन डिजाइन करवाया। इसका एक एक कमरा, एक एक चीज, एक एक फर्नीचर मैंने बड़ी मोहब्बत से तुम लोगों के लिए बनवाया है। चलो अंदर चलो, तुम्हें दिखाता हूं, तुम देखोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये तुम्हारे घर का लाउंज है बेटा, इधर रूही का कमरा है, वो ड्राइंग रूम है, उसके साथ डाइनिंग है, उसके साथ किचन है। उस किचन में मेरी फारा मुझे अपने हाथों से खाना पका के खिलाएगी। महरूज और रूही की साथ में ये तस्वीर बहुत मुश्किल से हासिल की मैंने। तुम्हारे घर में तो लोगों की बहुत तस्वीरें होंगी ना। मेरी ख्वाहिश थी कि यहां मैं इन दोनों की शादी की तस्वीर लगाऊं, लेकिन शादी की तस्वीर मुझे मिलती कहां से? कि शादी में तो शरीक ही नहीं हुआ था मैं। बहुत संगदिली दिखाई है मैंने बहरोज और रूही के साथ। पता है इस घर का सबसे खास कमरा, मेरी पसंदीदा जगह कौन सी है? मेरी फारा का कमरा। लेकिन वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर है, वो तुम्हें खुद देखना होगा, मैं तो अब सीढ़ियां चढ़ी नहीं। फारा, तुम्हें कैसा लग रहा है अपना ये घर देख के? बहुत अच्छा लग रहा है जान। इस पल इस मंजर को देखने के लिए मैंने बरसों इंतजार किया। अब मैं मर भी गया तो मुझे जिंदगी से कोई गिला नहीं होगा। आका जान, आप क्यों मरने की बात कर रहे? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अरे बेटा, मेरे दोनों जवान बेटे मेरी नजरों के सामने इस दुनिया से चले गए, जबकि जाने की उम्र तो मेरी थी। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत से पहले तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी बदगुमानी है तो उसे दूर कर दो। जरमीना का रिश्ता तय करते हुए जैसे उसकी उसकी मर्जी और पसंद की अहमियत है, वैसे तुम्हारी मर्जी की भी अहमियत थी। मैं जानता हूं वली के साथ अपने निकाह पे तुम मुझसे खफा हो। मैंने
तुम्हारी आंखों में शिकवा देख लिया था कि जरमीने की मर्जी अहम है तो मेरी मर्जी क्या गैर अहम है। नहीं बेटा, तुम्हारा और वली का निकाह मेरी जिद नहीं थी, बहरोज की ख्वाहिश थी। मुझे लगता है मेरे दोनों बेटों को विजदान ने उनकी मौत से आगाह कर दिया था, तभी तो सुहैब ने अपनी जिंदगी में वली और जरमीने के रिश्ते ढूंढ लिए और बहरोज ने फौरी तौर पे तुम दोनों को उस रिश्ते में बांध दिया। शायद अपनी मौत से पहले अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, तुम्हें तुम्हारे असल के साथ जोड़ देना चाहता था। अम्मी, आगा जान कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? अपने कमरे में होंगे और कहाँ? अम्मी, आगा जान अपने कमरे में नहीं है। जमीने, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, आगा जान बाथरूम गए होंगे, पैराम लेकर क्या होगा? अम्मी, मैंने सब जगह देख लिया है, आगा जान कहीं भी नहीं है, उनकी व्हीलचेयर भी उनके कमरे में नहीं है। लखेर बहराम, गुलखान कहाँ है सबके सब? फारा बेटा, मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अपने निकाह के लिए मुझे बेकसूर समझ के अपने बाप को कसूरवार ठहरा दो। तो अपने बाप से बदगुमान ना हो ना बेटा। बहरोज तो इस दुनिया में ही नहीं है कि तुम्हारी बदगुमानी दूर करने के लिए आ सके। देखो बेटा, अगर तुम बहरोज से खफा रही ना तो हमेशा के लिए बेचैन रहेगा। अगर तुम्हारा और अली का रिश्ता कायम रहता है तो ये मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन अगर इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है तो मैं रिश्ता खत्म करा दूंगा। तुम्हारा और वली का रिश्ता अगर खत्म हो जाए तब भी तुम मेरे बेटे की निशानी, मेरी पोती, मेरा खून हो। और रूही मेरी बहू है, रूही के साथ अपनी अना की जंग में मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता बेटा। मेरी तो बस हमेशा से यही ख्वाहिश है कि तुम और रूही यहां के मेरे पास अपने घर में अपने लोगों में रहो। क्या बेहोश रहते हो तुम सबके सब? आगा जान ना अपने कमरे में ना लाउंज में, खुद उठकर कहां चले गए? फारा कहां है? आगा जान उसके साथ थे। छोटी बीबी वो अंदर भी नहीं है, मैंने अच्छी तरह देख लिया। वो छोटी बीबी नए पोर्शन का गेट खुला हुआ है, मेरे ख्याल में आगा जान फारा बीबी के साथ उधर ही होंगे। वो आगा जान को नए पोर्शन में क्यों लेकर गई है? बेटा, अब मेरी सेहत बहुत बेतुबारी हो गई है, पता नहीं मेरे हिस्से के कि
कितने सांस बाकी है कुछ पता नहीं, कब बुलावा आ जाए। ठीक है, मैं इस हाल में मरना नहीं चाहता बेटा। मेरे बेटे की वाहिद निशानी मेरी पोती, मेरा खून, मुझसे बदगुमान हो, सोचती हो कि मेरी मोहब्बत के दावों में कोई सच्चाई नहीं है, मैं एक अनापरस्त इंसान हूं। तुम वली और जरमीन है, मेरे लिए क्या हो? मैं लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता। मेरी आती जाती सांसें, मेरी धड़कनें, तुम तीनों से जुड़ी है। मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो बेटा, अपने निकाह के बारे में सोचे बगैर कर, निकाह में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है, तो मैं इसे खत्म करा दूंगा। वली से कहूंगा वो तुम्हें छोड़ दे, वो मेरी हर बात मानता है बेटा, वैसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो। आगाजन क्या हुआ आपको? आगाजन मुझे बताएं ना, मुझे परेशानी हो रही है। आगाजन प्लीज मुझे बताएं, क्या आपकी दवाई कहाँ है? आगाजन, आगाजन आप ठीक तो हैं? तुम किससे पूछ के आगाजन को कमरे से बाहर लेकर आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता जरा सी मूवमेंट उनको अनजाने का अटैक दे सकती है? फरखान, बॉडी लेकर आओ, पीछे हटो। जरमीने, वली को फोन करो फौरन। खबरदार जो मेरे आगाजन को अब हाथ लगाया तो चले जाओ यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत से पहले तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी बदगुमानी है तो उसे दूर कर दो। मेरी सेहत बहुत बेतुबारी हो गई है, मैं इस हाल में मरना नहीं चाहता बेटा। मेरे बेटे की वाहिद निशानी मेरी पोती, मेरा खून, मुझसे बदगुमान हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें और ताई अम्मी को आगा जान को मार के दम मिलेगा क्या? जरमीने यहाँ से चलो, ये हॉस्पिटल है। नहीं अम्मी, मुझे इससे बात करने दे, मैं जानना चाहती हूँ कि ये चाहती क्या है। इसकी वजह से आगा जान फिर से हॉस्पिटल में है। तुम उनको बार बार शॉक देने के बजाय एक ही दफा जहर दे के क्यों नहीं मार डालती? तुम्हें और ताई अम्मी को आगा जान को मार के दम मिलेगा क्या? जरमीने क्या हो रहा है ये सब? आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए लाला? इसकी वजह से आगा जान फिर से हॉस्पिटल में, इसकी बातों की वजह से उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। आप इसको तलाक दे दे, इसको इसका हिस्सा दे दे जायदाद में, बल्कि पूरी जायदाद ही दे दे, और इसको बोले आज के बाद ही हमें अपनी शक्ल ना दिखाए, चली जाए वहां पर जहां इसके चाहने वाले। ये हमसे आगा जान को क्यों छीन रही है? अम्मी के अलावा सिर्फ आगा जान है हमारे पास। जरमीने खुद को संभालो, लोग देख रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ लाला, इसकी बकवास की वजह से आगा जान की तबीयत बिगड़ी है। क्या कहा था तुमने आगा जान से? तुम्हें तलाक चाहिए, तुम्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए। तुम्हारी वजह से आगा जान को 22 दिन पहले मेजर स्ट्रोक हुआ था। डॉक्टर्स उनकी जिंदगी से ना उम्मीद है, जाकर रिपोर्ट्स देखो।
आज अगर वो इस हाल में है तो तुम्हारी संगदिले की वजह से। मेरी बात कान खोल कर सुन लो फारा बहरोज खान, अगर मेरे आका जान को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। बस कर दो, चलो मेरे साथ। कहाँ हो तुम फारा? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन ही रिसीव नहीं करी। बहुत बेमुरव्वत हो गई हो तुम। बजाय इसके कि तुम मुझे फोन करके थैंक यू बोलो गिफ्ट के लिए, उल्टा मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हें हो क्या गया है? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, आका जान कैसे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मेरे मशवरे पर बिल्कुल अमल नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि घर ले जा करके आप उनका बहुत ख्याल रखेंगे। हम उनकी देखभाल करते रहे थे डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, उनके दिमाग पर कोई बोझ है, कोई स्ट्रेस है, जिसकी वजह से बार बार उनकी तबीयत इस तरह खराब हो जाती है। और ये फारा कौन है जिसका वो बार बार बेहोशी में भी नाम ले रहे हैं? जी, वो मेरे ताया की बेटी है, आका जान की पोती। आप उन्हें बुलवा लें, मेरा ख्याल है बख्तियार साहब उन्हें देखना चाहते हैं। मैं आपको भी फोन करती हूँ। रूही, कहाँ जा रही हो? अपने घर वापस जा रही हूँ भाभी, फारा की बहुत याद आ रही है। सोचा कि मैं फारा और बहरोज की पुरानी तस्वीरें देख लूँ। पुरानी तस्वीरें देखने घर क्यों जा रही हो? मैं अमर से कहती हूँ कि तुम्हारी एल्बम्स ले आए, तुम यहाँ बैठ के देख लेना। घर पे क्या करोगी? मेरी फारा भी तो उस घर में अकेली रही थी मेरे बगैर कुछ दिन, बिल्कुल ही तन्हा। तुम घर जाके परेशान हो जाओगी, खाम खास सोच सोच के अपने आप को दुख दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाभी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस फारा की याद आ रही थी, उसको मैं उसको समझा रही थी। पापा, आप प्लीज परेशान मत हो, मैं फारा को खुद ही जल्द वापस ले आऊंगा। और देखें जरा, देखें कितनी वीक लग रही है, उनको ऊपर लेके जाएं, कुछ खिलाए पिलाएं ना। चलें आप लोग ऊपर जाएं। ये कौन है मुइज के साथ? मुइज का दोस्त है। ऐसी क्या देख रही हो? बहुत हैंडसम लग रहा हूं मैं। कभी हम खूबसूरत आगा जान, मैं बहुत बुरी हूँ। अगर आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, प्लीज आगा जान, प्लीज मेरी खातिर आगे खोल दे। आप इतने सालों से मुझ पर मोहब्बतें लुटाते रहे, अब एक बार मुझे भी तो मौका दे कि मैं अपनी मोहब्बत साबित कर सकूं। प्लीज आगा जान। सोचता हूँ तो दिल कुड़ता है कि मैं बचपन से तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं था। तुम्हारे पास से मुझे बहरोज की खुशबू थी। आपको मेरे पास से अपने बेटे की खुशबू आती है ना, मुझे आपके पास से अपने बाप की खुशबू आती है, अपने बाबा की। आपने आपने बहुत बुरी पारा को देखकर एक बार इसे अच्छा बनने का मौका दिया गया जा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आगा जान, आज से नहीं हमेशा से। मैं सच कह रही हूँ, आपको पता है ना, पारा झूठ नहीं बोलती। जब बाबा की डेथ पर आपने मुझे गले लगाया था, तब भी मैं आपसे प्यार करती थी। मेरी वो नफरत और बदतमीजी
झूठती आगा जान, मेरी ये मोहब्बत सच्ची है, बिल्कुल सच्ची। एक दिन आएगा जब तुम बहुत पछताओगी, लेकिन उस दिन तुम्हारे पछतावों का भी कोई फायदा नहीं होगा। बदकिस्मत हो तुम फारा बहरोज खान, बहुत बदकिस्मत। जो इंसान यही ना परख सके कि उसे सच्ची मोहब्बत कौन करता है और कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो मेरी नजरों में वाकई बहुत बदकिस्मत है। मेरा दिल चाह रहा है मैं आगा जान को झंझोड़ झंझोड़ कर उनसे ये कहूं कि ये लड़की आपके प्यार के काबिल ही नहीं है। वो बूढ़ा आदमी जिसके बारे में तुम इतनी बकवास कर रही हो ना, तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। अल्लाह मेरे आका जान को सेहत दे दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रख। तुम्हारी कुर्बानियों को मैं तब कुर्बानी मानती जब तुम ये अपने ख्वाब और करियर किसी अमीर कबीर दादा की बजाय किसी गरीब और बेसहारा दादा के लिए छोड़ते। मैं तो बेतहाशा अमीर दादा के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट करके आई, जो अपना रुपया पैसा चाहत मुझ पर बेहिसाब लुटाता है, मैं उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट करके आई। क्या हुआ? कुछ नहीं। आगा जान की तबीयत कैसी है? बिल्कुल वैसी ही है। तुम यहां ठंडे फर्श पे क्यों बैठी हो? सोफे पे बैठ जाओ। डॉक्टर्स आगा जान की बीमारी से मायूस हो गए थे, इसीलिए तुम मुझे हवेली लेकर गए थे ना। मैं उनकी बीमारी का सुनकर कभी ना आती, इसीलिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। मैं इतनी सख्त दिल कैसे हो गई थी अपने बूढ़े बीमार दादों को मौत के मुंह में धकेल रही थी, उन्हें दुख पर दुख दे रही थी, उनकी मोहब्बत को झूठ और साजिश समझ रही थी। आगा जान बीमार थोड़ी है, वो तो अपनी बीमारी और मौत से लोगों को डराकर उनसे अपनी मर्जी के फैसले मनवाते हैं। नफरत हो रही है मुझे खुद से भली। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं उनकी मोहब्बत तो क्या, मैं तो आगा जान के एहसान मंद भी नहीं बन सकी। आगा जान से प्यार मोहब्बत रुपया पैसा लेना मेरा हक था, और उनका ये सब कुछ मुझे देना उन पर फर्ज था। बदले में मुझ पर कोई फराइज नहीं थे, मैं सख्त दिल खुद गर्दा एहसान परामोश बन गई हूं वाली। आज जिस हाल में आगा जान है ये मेरी वजह से है। अगर आगा जान को कुछ हो गया ना मली, तो मैं सारी जिंदगी खुद को नहीं माफ कर पाऊंगी, मैं खुद को नहीं माफ कर पाऊंगी। तुम थोड़ी देर जाके सो लो, दोपहर को फिर हॉस्पिटल जाना है।
रूही सॉरी? जी अभी तक सॉरी है। वैसा करना जब तक वो खुद ना जागे ना, उसे जगाना मत। आओ 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 मुइज़ बेटा, इतनी सुबह उठ के? कल रात तो बड़ी लेट काम कर रहे थे इमरान के साथ। आप लोग मुझे आराम करने देंगे तो आराम करूंगा ना। क्या बात है मुइज, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? अबू आपसे और अम्मी से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि फूफो को संभालें, लेकिन आप लोगों से तो एक काम भी सही नहीं होता ना। एक तरफ मैं फारा की वजह से परेशान हूँ, दूसरी तरफ फूफो की हरकतें मुझे इरिटेट कर रही हैं। फारा को क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया उसका, उसके मनहूस दादा जान जो बीमार हो गए। लो वो तो सदा से बीमार है, बस मरते नहीं है। इस बार नई बात यह है कि फारा को अपने दादा से इश्क हो गया, बाकायदा उनके बीमार होने पर रो रही थी। मेरी सालों की मेहनत ठिकाने लग रही है, कितनी मेहनत की थी मैंने फारा पे, मेरी हर बात मानती थी, इतनी मुश्किल से अपने हिसार में लिया था मैंने उसे, और अब वो मेरे फोन का जवाब ही नहीं देती। फारा का यहाँ वापस आना मेरी जिंदगी और मौत का मसला है, मुझे हर हाल में वो वापस यहाँ चाहिए। मुइज़ वो वापस आ जाएगी, वक्ती जोश और बचपने में वहाँ चली गई है, चंद हफ्तों से ज्यादा वो रह ही नहीं सकेगी। उसके दादा के अलावा उसको वहाँ पे कोई मुंह नहीं लगाता। इमरान भाई हर मुलाकात पे मुझे अपना लोन याद दिलाते हैं। और अम्मी अम्बू आप लोग ये बात गौर से सुन लें, मेरे लिए मेरा करियर, मेरा बिजनेस, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा ख्वाब सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके रास्ते में कोई भी रुकावट आई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी हवेली को देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, और यहाँ तो फुप्पा की भाभी यानी उनकी एक्स फियांसे बहुत हसीन औरत है। मैं भली की तरह एक शानदार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। फुप्पा एक जिद्दी नहीं अहमक इंसान था। तुम करना क्या चाहते हो? जायदाद में हिस्सा मुईज़ से तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ फुप्पा, बड़े साहब और उनके बेटे ने तो फारा का हक मारा है, तो वो हमें दौलत का लालची नहीं समझेंगे? तो समझने देना फुप्पा, भली के बाप का पैसा नहीं है। मुझे पैसे चाहिए। कौन से पैसे? वही पैसे जो हिरम की शादी के बहाने अपने फूफो से ऐंठे। लॉटरी निकल आई है फारा और रूही की। मैं उस जागीरदार वली को फारा से जीतने नहीं दूंगा। तुमने क्या मां हिरम की शादी से लेकर उसकी तैयारी, फारा को ये लगना चाहिए कि वकील आपने किया, मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए बीच में। तुम्हारे जो पैसे भी आपने उनको लू बना कर, मेरी बहन और मेरी भांजी मुझे बहुत अजीज है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। ये सब फूफो की हिमाकत और बेवकूफी की वजह से। अरे आपने तो चाय को हाथ में नहीं लगाया, तो ठंडी लस्सी होगी होगी, मैं और बना के ले आऊं? नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरा चाय का मूड खत्म हो चुका है। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। लग तो नहीं रहा, आप तो बड़े परेशान दिख रहे हैं, कोई टेंशन है? मैं मुइज़ की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? मुइज़ तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुइज़ फारा के मामले में जितना जज्बाती हो रहा है, उसको वापस लाने में जितनी जल्दी दिखा रहा है, मुझे उसके जज्बातीपन से खौफ आ रहा है। आप खाम खाम में डर रहे हैं, मेरा बेटा बहुत जहीन और समझदार है, इतनी कम उम्र में बिजनेस चला रहा है और कामयाब भी है, वो गलत काम नहीं करेगा। तुम्हें तो वो भर भर के नोट कमा के लाकर दे रहा है ना, तुम खुश हो? तुम में तो अकल नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो तुमसे क्या बात करूं मैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया उसने मुझसे मशवरा किए बगैर, अगर मुझसे पूछता तो मैं उसे मना करता। इंसान को अपने कद से ऊंची छलांग नहीं लगानी चाहिए। मैं जितना कमा रहे हो ठीक है, कनात पसंदी भी कोई चीज होती है। अब आप कनात सबर और शुक्र पे भी तकरीर करेंगे? इमरान चलाकी और मक्कारी में मुइज़ जैसे 10-10 लड़कों का भी बाप है, वो मुइज़ से अपने सारे पैसे पाई पाई करके वसूल कर लेगा। और क्या हम रोड पर जाकर दिवालिया बनकर खड़े हो जाएंगे? अगर फारा वापस ना आई और उसने अपनी जायदाद में हक ना लिया तो? अल्लाह ना करे, कितनी बुरी बातें मुझसे निकाल रहे हैं। मेरा बेटा सब कुछ ठीक करता है और सब ठीक करेगा, आप देख लीजिएगा। फारा मुइज़ की मोहब्बत में पागल है, उसको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। आ जाओ।
पारा बीबी आपका नाश्ता। तुम्हें किसने कहा कि नाश्ता यहाँ लेकर आओ? वली ने? जी। वो खुद कहाँ पर है? खाने की टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। अब मेरा नाश्ता भी वहीं ले जाओ, वहीं करूंगे। आ जाओ। यहां पे रख दो। तुम जाओ, कुछ आई होगा तो मंगवा लूंगी। वो एक्चुअली लाइट गई हुई थी और कमरे में अंधेरा था, तो मैंने सोचा कि या मैं यहाँ इतने दिनों से सबके साथ बैठ के नाश्ता और खाना खा रही हूँ, तो फिर मेरा नाश्ता कमरे में क्यों भिजवाया? अगर मुझे बुलाते तो क्या मैं नहीं आती? तो मुझे हमेशा ही मजबूर करते थे कि सबके साथ बैठकर खाना खाऊं, और आज जब मैं ऐसा मैंने सबसे हकीकत छुपाने के लिए किया था फारा, लेकिन अब जब हवेली में सिर्फ हम दोनों हैं तो मुझे किसी दिखावे की जरूरत महसूस नहीं हुई। हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दो लोग जो एक दूसरे से एक जितनी नफरत करते हों, जो अपना हर रिश्ता ख़त्म करने का अहद भी कर चुके हों, बल्कि सब कुछ ख़त्म करने की डेट भी तय कर चुके हों, और अब बस महज उस डेट का इंतज़ार कर रहे हों, उनका आपस में बैठ कर नाश्ता करना, एक दूसरे को इखलाक दिखाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। मैं कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा। तुम भी नाश्ता करके थोड़ी देर सो लेना। 2 बजे मैं हॉस्पिटल जाना। मुझे इग्नोर कर रही हो? तो तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे दादा जान मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? दुनिया में आगा जान ही वो शख्स है जो मेरे लिए बहुत अहम है। समझ नहीं आ रही कि ये बुड्ढा तुम्हारे साथ नाटक कर रहा है। मोहित बस बहुत हो गया, आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि जिसका जो दिल चाहे मेरे मुंह पर आगा जान की बुराई करे, उनकी इंसल्ट करे या उनका मजाक उड़ाए। ऑफिस से वापस आने के बाद मुझे बाबा की कब्र पर ले जाओगे? तुम गुलखान या बहराम के साथ चली जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। यारे मम, यारे मम।